बीकानेर को नई महापौर मिल चुकी है। नाम है सुशीला कंवर राजपुरोहित। सुशीला बीजेपी नेता और ट्रांसपोर्ट कारोबारी गुमान सिंह राजपुरोहित की पुत्रवधू है। वो पहली मर्तबा राजनीति में उतरी है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो क्या वजहें थी जिसके चलते सुशीला का नाम महापौर के लिए दिया गया। इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है, सुनना चाहेंगे तो सुनिए। इस कहानी की शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव से। तब बीकानेर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल तीसरी बार मैदान में उतरे थे, जिसका उनके धुर विरोधी देवी सिंह भाटी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे थे। मेघवाल जहां भी जाते उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करना तो उनके लिए टेढ़ी खीर हो गई थी। तब गुमान सिंह राजपुरोहित संकट मोचन हनुमान की तरह उनके साथ हुए, जिसके बाद ही कोलायत में अर्जुन राम मेघवाल की जनसभाएं मुमकिन हो सकी। लोकसभा चुनाव हुए और अर्जुन राम मेघवाल की विजय भी हुई, और तो और उन्हें केंद्रीय मंत्री का ओहदा भी मिला। ऐसे में भला वो गुमान सिंह का यह एहसान कैसे भूल सकते थे। हालांकि सियासी गलियारों में लोकसभा चुनाव से ही ये चर्चा थी कि अर्जुन राम गुमान सिंह का ये कर्ज जरूर उतारेंगे, और ऐसा हुआ भी। यह निकाय चुनाव वही मौका था जब गुमान सिंह की पुत्रवधू को बीकानेर की महापौर बनाकर अर्जुन राम मेघवाल ने गुमान सिंह के एहसान का कर्ज उतार दिया। टीम खबर अपडेट।